देश में इस वक्त माहौल चारों तरफ गर्म है, चाहे वो राजनीति को लेकर हो और चाहे हम फिल्मी जगत की बात करें। एक्टर विवेक ओबराय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक मीम शेयर किया जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये मीम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मीम में ऊपर सलमान खान और ऐश्वर्या राय दिखाई गई हैं, उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है इसमें विवेक ओबराय के साथ ऐश्वर्या राय हैं, और जो तीसरी पिक्चर है उसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन और इसके साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन को दिखाया गया है। और इस पिक्चर में ऊपर दिया गया है ओपिनियन पोल। जो पहली पिक्चर है उसमें ओपिनियन पोल लिखा गया जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय हैं, दूसरी पिक्चर जिसमें विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय है इसमें एग्जिट पोल दिया गया है, और इसके बाद तीसरी पिक्चर जिसमें अभिषेक बच्चन और आराध्या बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन है उसको दिया गया है रिजल्ट्स। अब इस पिक्चर को शेयर करने के बाद चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि ये ऐसा क्यों किया विवेक ओबराय ने। हालांकि विवेक ओबराय ने मीम को शेयर करते हुए लिखा ट्वीट में कि ये एक क्रिएटिव है, इसको राजनीतिक या पॉलिटिसाइज बिल्कुल मत करें और ये एक जस्ट लाइफ है। तो इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया। जब से लेकर अभी तक कंटिन्यू चारों तरफ विवेक ओबराय की आलोचनाएं हो रही हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को लेकर। इस बात पर बहुत सारे स्टार, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी बोल चुके हैं कि विवेक ओबराय ने ये गलत किया, इस तरह से उनको किसी एक बच्ची को, किसी एक महिला के ऊपर इस तरह से आपत्तिजनक ट्वीट या मीम या कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको क्या लगता है कि विवेक ओबराय ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको लगता था कि उनकी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए और कोई सहारा नहीं है? क्या विवेक ओबराय की जो नरेंद्र मोदी बायोपिक फिल्म आने वाली थी उसको चर्चा में लाने को लेकर ऐसा किया जा रहा है? कोई पब्लिसिटी स्टंट ऐसा तो नहीं जिससे फिल्म पे कंट्रोवर्सी उठ जाए और इसके बाद फिल्म हिट हो जाए? क्योंकि आपको पता ही है कि जब जब किसी फिल्म में कंट्रोवर्सी हुई है तब तब वो फिल्म हिट हुई है, या फिर ये जस्ट फॉर फन किया गया? आपको ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि विवेक ओबराय के विवेक को लेकर आप क्या कह रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले के बाद देश में क्या क्या हुआ। सबसे पहले महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया विवेक ओबराय को माफी मांगने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन से। विवेक ओबराय ने कहा कि महिला आयोग के सामने मैं भी अपना पक्ष रखूंगा, और इस बात को लेकर सोनम कपूर ने भी एक रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा डिसगस्टिंग क्लासलेस, जिसके जवाब में विवेक ओबराय समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मुझे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं माफी क्यों मांगू जब मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर माफी किस बात का। और अब बात करते हैं ट्विटर पर उनकी क्या क्या आलोचनाएं हुई, जिसमें सबसे पहले बात करें सोनम कपूर की, तो उन्होंने एक रीट्वीट किया जो था ट्वीट निधि राजदान का, जिसमें लिखा हुआ था डिस्टेस्टफुल मूव ऑन और मिस्टर ओबराय। तो उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा डिसगस्टिंग एंड क्लासलेस। इसके बाद पत्रकार पल्लवी घोष लिखती है शर्मनाक, ये दिखता है कि इनकी कोई क्लास नहीं है। इसके साथ साथ ज्वाला गट्टा ने भी लिखा एक्सट्रीमली एब्सर्ड ऑफ योर ट्वीट दिस डिसअपॉइंटिंग। तो इस तरीके से ट्विटर पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं जाहिर की गई विवेक ओबराय को लेकर। तो क्या विवेक ओबराय पब्लिसिटी के लिए ऐसा किए, क्या विवेक ओबराय का करना ऐसा ठीक था, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और आप क्या कहना चाहते हैं सीधे विवेक ओबराय से ये भी आप हमें बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।